नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से लेके आया हूँ आपके सामने सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे पास है। द रोल ऑफ हेरिडिटी स्टार्ट्स इन इंडिविजुअल्स लाइफ एट द टाइम ऑफ। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में डैश के समय से शुरू होती है। तो रोल ऑफ हेरिडिटी पूछी गई है, कब शुरू होती है, आनुवंशिकता की भूमिका कब शुरू होती है, इसको पूछा गया है। तो अब अगर हम आनुवंशिकता की भूमिका को देखें, रोल ऑफ हेरिडिटी को देखें, तो ये कब से शुरू होगा? ये राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, जैसे ही माता गर्भ धारण करती है उसी समय हमारे पास जीन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीन्स ही हमें प्राप्त होते हैं माता और पिता से। तो जीन्स जो प्राप्त होते हैं वो हमारे हेरिडिटी को कैरी करते हैं, वो हमारे आनुवंशिकता को धारण करते हैं और प्रवाह करते हैं। तो आनुवंशिकता का काम राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, गर्भाधारण से ही शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अ हियरिंग लॉस बिटवीन द रेंज ऑफ 41 to 60 डेसिबल्स इज नोन एज हियरिंग इंपेयरमेंट। 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर हमारे पास रेंज पूछा गया है। तो जब हम हियरिंग लॉस का रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग लॉस देखते हैं हम, यहां हम देखेंगे कि हमारे पास श्रवणहीनता का अगर हमें प्रसार देखना हो तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा इसमें नॉर्मल हियरिंग लॉस, जिसे हम कहते हैं सामान्य, जब हमारा 0 से 15 डेसिबल को लेके चलता है। 0 से 15 डेसिबल हमारा अगर हियरिंग लॉस है तो उसको सामान्य माना जाता है, यानी इसको हम नॉर्मल हियरिंग लॉस नहीं मानते हैं, इसको हम बहरापन नहीं मानते हैं, ठीक है। वहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं स्लाइट, मामूली। हमें ऊंचा सुनने को मिलता है जब 15 से 20 डेसिबल का लॉस होता है। जब 15 से 20 डेसिबल का लॉस होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये स्लाइट है। फिर हमारे पास माइल्ड हियरिंग लॉस आता है, यानी सौम्य हमें देखने को मिलता है। ये हमें क्या कितना देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है 21 से, ये 16 था सॉरी, 21 से 40 डेसिबल। जब 21 से 40 डेसिबल होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सौम्य देखने को मिलेगा, हमें माइल्ड देखने को मिलेगा। फिर हमें देखने को मिलता है मॉडरेट, हमें मध्यम श्रवणहीनता देखने को मिलती है। तो मध्यम श्रवणहीनता होती है हमारी 41 से 60 डेसिबल। फिर हमें देखने को मिलता है माइल्ड के बाद हमें सिवियर देखने को मिलता है, और सिवियर हमारा जो होता है, तीव्र जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 61 से 80 डेसिबल का। और फिर प्रोफाउंड जो हमें देखने को मिलता है, हम गहन कहते हैं जिसे, गहन श्रवणहीनता या गहन बहरापन, ये हमें देखने को मिलता है 80 डेसिबल से ज्यादा का, more than 80 डेसिबल, more than 80 डेसिबल का मिलता है। अब क्योंकि यहां रेंज 41 से 60 की दी है, इसीलिए उत्तर यहां पहला मॉडरेट होगा, जो कि हमें देखने को मिलता है कि चौथा हमारे पास था। तो उत्तर यहां हमें पहला मॉडरेट देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अधिगम के नियम थे, ये लॉज ऑफ लर्निंग हमें दिखाई देते हैं, ये अधिगम के नियम होते हैं, लॉज ऑफ लर्निंग हमें दिखाई देते हैं। और तीन हमारे पास प्राइमरी लॉज थे,
तीन प्रमुख नियम हैं और पांच हमारे पास सेकेंडरी लॉज हैं, पांच गौण नियम हैं, और इन्हीं में से एक प्रमुख नियम है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं सिद्धांतों से हम शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, और थॉर्नडाइक को इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रॉम दीज थ्योरीज, फ्रॉम दीज प्रिंसिपल्स, वी बिलीव द स्टार्ट ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी, एंड देयर फोर थॉर्नडाइक इज बीइंग कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आंसर यहां पे, उत्तर यहां पे हमें पहला देखने को मिलता है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू एलिमिनेट, एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट देयर राइट टू गेट एजुकेटेड। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य डैश को समाप्त करना है। किस चीज का एलिमिनेशन का एम है, समाप्त करने का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर अगर हम देखें, डिफरेंसेस को हम नहीं करते एलिमिनेट, डिफरेंसेस को अब हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। प्रॉब्लम्स को भी हम एलिमिनेट नहीं कर रहे होते, चैलेंजेस को भी एलिमिनेट नहीं कर रहे होते, हम इन इक्वालिटी को, असमानता को एलिमिनेट करते हैं, और इसके माध्यम से सभी को समान अवसर देने की बात करते हैं। सभी को हम उनके अधिकार देते हैं शिक्षित होने का, उनको एजुकेट होने का राइट देते हैं, अधिकार देते हैं। तो असमानता खत्म करके सबको समान अवसर देना शिक्षा के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो उत्तर यहां पहला रहा। चलिए नेक्स्ट देखें, एजुकेटिंग स्पेशल चिल्ड्रन अलोंग विद द टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन इन द रेगुलर स्कूल्स। नियमित विद्यालयों में आम तौर पर विकासशील बच्चों के साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को साथ साथ एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ाना है। नाउ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 राइम, व्हाट वी सी, वी हैव टू टीच ईच एंड एवरी चाइल्ड विद इन द सेम क्लास, विद इन सेम स्कूल, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी अवधारणा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें हम स्पेशल एजुकेशन के स्कूल, विशेष शिक्षा के जो सेपरेट स्कूल है दिव्यांगों के लिए, उनको खत्म कर रहे हैं, उनको एंड कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर यहां चौथा हो जाएगा, जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये थे आज के पांच प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि इनसे जुड़े विभिन्न कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आपका उनका रिवीजन हुआ होगा। अगर आप पहली बार कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, तो उनको रिवाइज करने की, उनको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, और उनके उन वो भी आप अपने नॉलेज डोमेन में ऐड करिएगा, वो भी अपने ज्ञान जो हमारे पास क्षेत्र है उसमें जोड़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी लोगों के साथ मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।